चलो आर्यन बताओ कल क्या क्या पढ़ाया था अच्छा पहले से अलर्ट है कि कहीं रिकॉर्डिंग के टाइम ही मेरा नाम आ जाए तो दिक्कत हो जाती है अच्छा चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं देखो ऑप्टिक्स स्टार्ट किया तो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ये बेंच ऑप्टिकल बेंच कहलाता यह है यहाँ माइक्रोस्कोप है ठीक है ना तो स्टार्टिंग से ही देखो पूरे ऑप्टिक्स का आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्सन बाय प्रिज्म ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कंपोनेंट कलर्स या सेवन कलर्स जब रिफ्रैक्टिंग मीडियम से पास करता है तो उसी को डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं जो पैटर्न हम लोग कलर्ड पैटर्न मिलता है स्क्रीन पर ड्यू टू रिफ्रैक्टिंग ग्लास स्लैब जो प्रिज्म का है उस पैटर्न को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं और वो सीक्वेंस में रहता है तो उसको हम प्योर स्पेक्ट्रम कहते हैं और सीक्वेंस में नहीं रहता तो इम्प्योर स्पेक्ट्रम कहते हैं तो वही वह कहता है स्पेक्ट्रम इन विच देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स मतलब यहां पर अलग अलग कलर्स का ओवरलैपिंग नहीं होगा तो उसको हम लोग प्योर स्पेक्ट्रम कहते हैं जिसमें ओवरलैपिंग होने लगे रेड वॉलेट के साथ ओवरलैप कर रहा है उस कंडीशन में उसको हम लोग कह देते हैं इम्प्योर स्पेक्ट्रम अब यहां पर सिंपल है जैसे व्हाइट लाइट बीम इस रिफ्रैक्टिंग ग्लास प्रिंस से पास किया यदि इसका डेविएशन डिस्पर्सन कुछ नहीं होता तो डॉटेड लाइन को ये फॉलो करता। और यहां पर एक स्पेक्ट्रम अलग अलग कलर का सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं कि रेड ऊपर है और सबसे ज्यादा डेविएशन वॉलेट का होता अब इसी चीज को न्यूटन्स कॉर्पेस्क्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा गया सिंपली कि इसमें कहता है कि प्रिज्म कलर को सेपरेट करता है प्रिज्म कलर को डेवलप नहीं कर रहा है कलर को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो इसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसने देखा कि व्हाइट लाइट बीम को एक प्रिज्म से पास करा और दूसरे प्रिज्म को इन्वर्टेड फॉर्म में रखा इसका यहां रिफ्रैक्टिंग इस वाले को रिफ्रैक्टिंग रखा। तो इस कंडीशन में देखा कि इससे जब डिस्पर्सन हुआ और ये जो सेवन कलर्स इस पर एंटर किए तो फिर ये व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि प्रिज्म सेपरेट्स द कलर्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन व्हाइट लाइट सिर्फ उसको सेपरेट करता है इसलिए हम इसको डिस्पर्सन कहते हैं अब ये चीज़ हम लोगों को नहीं मिलता था रिफ्रैक्टिंग ग्लास लैब में लैब में सिर्फ रिफ्रैक्शन होता था वहां आप लाइट को इंसिडेंट कराते थे रिफ्रैक्शन हो गया इमरजेंस हो गया लेकिन डिस्पर्सन नहीं होता यहां डिस्पर्सन हो रहा ठीक यह तो बेसिक चीज है जो ऑलरेडी टेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है जो हम लोगों को यहां पर जानना है बेसिकली कि कॉज ऑफ डिस्पर्सन डिस्पर्सन के रीजन क्या है तो कहता है कि सिंपली जैसे यहां से व्हाइट लाइट पास किया तो हम लोग कह देते कि लिस्ट डेविएटेड लाइट रेड और मोस्ट डेविएटेड लाइट वॉलेट रीजन क्या है कि हर कलर का अपना अपना वेवलेंथ होता है तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में वेवलेंथ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डेविएशन को एक फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया था ठीक अब यही कहता है इच कलर ऑफ लाइट इज एसोसिएटेड विथ डेफिनेट वेव अब विजिबल स्पेक्ट्रम में हमारे पास रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है और वॉलेट का लिस्ट वेवलेंथ। ठीक अब वेवलेंथ को कोरलेट करो वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है हमने आपको पढ़ा रखा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ इनवर्स रिलेटेड है इसलिए म्यू लेमडा का प्रोडक्ट कांस्टेंट है इसका मतलब यहां पर रेड अब देखो इसी चीज को कॉची ने डेवलप भी किया इसलिए स्क्रीन पे एक एक चीज करके एक एक पॉइंट करके अपने आप आ रहा है कॉची का कहना था एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसको हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ वहां भी बता दिया था यहां पर ये यह सब कांस्टेंट पैरामीटर है ए बी सी इससे आपको मतलब नहीं तो मी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ तो वेवलेंथ किसका सबसे ज्यादा रेड का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम ठीक एग्री रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेविएशन में रिलेशन कल बताया था जल्दी से बता दो आ जल्दी से बताओ कल के क्लास में ही पढ़ा है डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस वन टू ए इसका मतलब यहां पर आप देखें एकदम सीक्वेंस में रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डार्कली रिलेटेड टू डेवियशन तो डेल्टा आर लेस देन डेल्टा वी इसलिए रेड लिस्ट डेविएटेड हुआ और वॉलेट मोस्ट डेविएटेड कलर के अकॉर्डिंग लिख दिया हो सकता है स्क्रीन पर नजर नहीं हुआ वॉलेट का जो कलर है वही बना दिया आ गया समझ में तो ये चीज हमको दिमाग में रखना अब इतना लैंग्वेज को याद करने की जरूरत नहीं है सिंपली हम लोग एक लाइन याद रखेंगे कि इन द विजिबल स्पेक्ट्रम रेड लाइट हैज लॉन्गेस्ट वेव लेंथ एंड द वॉलेट लाइट हैज लिस्ट वेव लेंथ अकॉर्डिंग टू कॉजिस रिलेशनशिप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोपोर्शनल टू वेवलैंड ठीक, इट मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट इज लेस रिफ्रैक्टिव proportional डायरेक्टली refractive इंडेक्स तो फाइनली क्या मिल गया रेड लाइट का डेविएशन कम हो गया वॉलेट लाइट का डेविएशन ज्यादा यही रीजन है के। समझ में आ गया तो यही चीज है यहां पर सिंपली यहां से व्हाइट लाइट इंसर्ट और अलग अलग कलर स्प्लीट होता जा रहा है अलग अलग कलर पैटर्न मिलते जा रहे हैं इस तरह से पैटर्न मिल गया समझ में क्लियर चलिए बहुत इजी है तो याद ही हो गया होगा चलिए अब आज एक टर्म है एंगुलर डिस्पर्सन एंगुलर डिस्पर्सन क्या कहता है ये सिंपली कहता है कि जैसे व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुआ ठीक अब ऊपर हमारा सबसे रेड नीचे वॉलेट रेड का डेविएशन डेल्टा आर से रिप्रेजेंट वॉलेट का डेल्टा वी से और मीन लाइट येलो लाइट को यूज करते इसलिए कि येलो लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉलेट और रेड का मीन वैल्यू देता कहने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम वॉलेट लाइट का लिखें रेड लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे दोनों को टू से डिवाइड कर दे रिफ्रैक्टिव तो इंडेक्स जो फॉल या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो वैल्यू येलो लाइट को बिलोंग करता इसलिए रिफ्रैक्ट ये हम जब भी मीन लाइट की बात करते हैं तो वो येलो लाइट आगे समझ में क्लियर हंड्रेड परसेंट अब यहां पर क्या था एंगुलर स्पर्स इस एंगुलर डिस्पर्सन को हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे इट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय टू एक्सट्रीम कलर्स दो एक्सट्रीम कलर कौन कौन है भाई? उपर, नीचे. तो सबसे ज्यादा डेविएशन वॉलेट का तो डेल्टा वी मानस डेल्टा ठीक कल के क्लास से प्रीवियस क्लास में डेविएशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका ये रिलेशन पड़ा इसका मतलब वॉलेट के लिए लिख देंगे म्यू वी माइनस वन ए एंगल ऑफ प्रिज्म है रेड के लिए लिख देंगे म्यू आर माइनस वन इंटू ए तो ये फाइनली म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए आ गया इसी को हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्पर्सन डिफरेंस बिटवीन डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय वॉलेट एंड रेड लाइट समझ तो में आ गया तो so, मैथमेटिकली वही है एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर्स इन द स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एंगुलर एंगुलरसन अब एंगुलर डिस्पर्सन का ये एक्सप्रेशन आ रहा है, जो अभी हमने लिखा फाइनली समझ में आ गया क्लियर अब आ जाए नेक्स्ट डिस्पर्सिव पावर अब डिस्पर्सिव पावर को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं यहां पर जो हम लोगों को डेविएशन मिला दो डिफरेंट कलर का तो कहता है एंगुलर डिस्पर्सन तो हम लोग ऑलरेडी थीटा निकाले तो कहता है इट इज द या सिंपली डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन टू द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय मीन लाइट तो मीन लाइट मीन्स येलो लाइट अब थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है देख लो म्यू वी माइनस म्यू आर इन टू ए और येलो का डिवीजन हो गया तो म्यू वाई लिख दे या नहीं भी लिखेंगे तो म्यू जब लिखते हैं तो अंडरस्टूड है वो मीन कलर वाई को येलो को बिलोंग कर रहा है तो ये फाइनली क्या गया म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइड बाई म्यू वाई माइनस वन इसी फॉर्म में याद रखना है डिस्पर्सिव पावर को ये जितने टर्मोलॉजी सिखा रहे हैं इसको दिमाग में रखिएगा तो आगे का डेरिवेशन आगे एन का दो बेस्ट क्वेश्चन है जिसके बाद सॉल्व करेंगे हम और वो थ्योरी में ही हम आपको बता रहे हैं तो यहां पर डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला ये आ गया इट इज द एबिलिटी डिस्पर्सिव का मतलब ये तो किसी प्रिज्म का एबिलिटी है जिससे डिस्पर्सन है तो इस कंडीशन में मेजर करते हैं बाई डेल्टा थीटा का वैल्यू डाल दिया डेल्टा ए एक कैंसिल हो गया यही रिलेशन आया आ गया समझ में यस जी नींद में तो नहीं है अच्छा याद कर लेता है और सो जाता है गड़। आ गया समझ में यहां तक क्लियर है सबको अब यहां पर प्रिज्म के कंबिनेशन दो प्रिज्म को हम लोग कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके देखेंगे क्या इफेक्ट आता मैथमेटिकल इफेक्ट क्या है। तो पहला कहता है कि डिविशन होगा डिस्पर्सन नहीं होगा तो यहां पर दो प्रिज्म है एक क्राउन ग्लास प्रिज्म है और एक प्रिंट ग्लास प्रिज्म है। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली डिफरेंट होता है एक का वन पॉइंट फाइव फोर तो एक का वन पॉइंट फाइव इसका रिफ्रैक्टिंग एंगल ए इसका रिफ्रैक्टिंग एंगल ए डैश यहां से व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुआ रेड और वॉलेट में ये डिस्पर्स हो गया ठीक द क्राउन ग्लास प्रिज्म। अब ये क्राउन ग्लास प्रिज्म से जो डिस्पर्स लाइट है वो इंसिडेंट हुआ फ्लिंट ग्लास प्रिज्म और फाइनली अभी हमने न्यूटन्स थ्योरी पढ़ रखा वो व्हाइट लाइट में ही कन्वर्ट हो ठीक इसका मतलब है कि नहीं हुआ ओनली डेविएशन हुआ तो उसका रिजल्ट मैथमेटिकली क्या आता है इसी को हम लोग एनालाइज करेंगे तो विदाउट डिस्पर्सन का मतलब हम लोग डिस्पर्सन निकाले और उसको जीरो पुट कर दें तो पहला डिस्पर्सन डिस्पर्सन का फॉर्मूला क्या है थीटा तो थीटा किसके लिए क्राउन ग्लास प्रिज्म के लिए थीटा किसके लिए फ्लिंट ग्लास प्रिज्म के लिए कहता विदाउट डिस्पर्सन इट मीन्स टोटल डिस्पर्सन जीरो इसको हम लोग थीटा को अभी जस्ट लिखे म्यूवी माइनस म्यू आर इनटू ए क्राउन के लिए इसके ऊपर कोई इस स्क्रिप्ट वगैरह कुछ नहीं लगा रहे और फ्लिंट के लिए हम लोग लिख दे रहे वी डास माइनस म्यू आर डैश इन टू ए इक्वल टू सी इससे ये आ गया म्यू वी माइनस म्यू आर इन टू ए इज इक्वल टू म्यू वी डास यहां पर माइनस साइन हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा माइनस से इधर राइट हैंड साइड में ले जाए दास, ए दास। अब क्या है डेविएशन होगा तो टोटल डेविएशन डेविएशन निकाल ले तो टोटल बाय द दिंट ग्लास प्रिस्प एंड क्राउन ग्लास प्रिस्प तो डेविएशन को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डेल्टा क्राउन का डेल्टा फ्लिंट का ठीक अब एक क्राउन और फ्लिंट इन्वर्टेड है इसलिए टोटल डेविजन है प्लस नहीं होकर के ये अपोजिट दे रहा डिविशन माइनस साइन गया अब डेविशन क्राउन के लिए हम लोग कोई सुपरस्क्रिप्ट नहीं डैश वगैरह कोई यूज नहीं कर रहे तो यहां पर सिंपल येलो लाइट मींस म्यू माइनस वन इंटू ए और इसके लिए म्यू डैश माइनस वन इंटू ए क्लियर यहां तक अब ऊपर से हम लोग ए डैश का वैल्यू सब्सिच्यूट करते ठीक तो ए डैश का वैल्यू सब्सिच्यूट करोगे तो क्या आएगा या सिंपली आप इसको म्यू माइनस वन इंटू ए कॉमन ले लो तो वन माइनस म्यू डैश माइनस वन ए डैश डिवाइडर बाय म्यू माइनस वन इन टू ए आ जाए इसको हम डेविएशन प्रोड्यूस बाय मीन लाइट लिख देते हैं यहां पर म्यू डैश माइनस वन है यहां म्यू माइनस वन है ए डैस बाय ए का वैल्यू डाल दो ए डैस बाय ए का वैल्यू आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर देखो ध्यान से डिवाइडेड बाई क्या रहा है जल्दी से बता दो मीवी डैश माइनस मीवा डैश ठीक तो ए डैस बाई ए क्या है नेगेटिव वैल्यू है ए डैस बाई ए नेगेटिव तो वैसे ही आ गया वैल्यू सेम वैल्यू रह जाएगा क्या बातचीत क्यों कर रहे हो क्या रीजन हाँ एक मिनट फिर बातचीत करने लगते हो क्या परेशानी है तुम लोगो क्लास में क्यों बात करते हो कॉपी भी निकाल के प्रैक्टिस भी नहीं करते हो घर जाके भी क्या करते हो पता ही नहीं चलता मी मानस वन इन टू ए तो फीमेल टेंडेंसी आ गया, जैसे इधर आते फिर बात करना शुरू कर देता है एकदम फीमेल की तरह एक्ट कर रहे हो तो म्यू माइनस वन इंटू ए वन माइनस देख लेते म्यूडास माइनस वन इंटू ए ड बाई म्यू माइनस वन इंटू ए अब यहां पर म्यूडास मानसवन म्यू माइनस वन ए डाश बाई ए का वैल्यू कितना आ रहा ए डैस बाई ए का वैल्यू यहां से जल्दी से बताओ हाँ तो ये टोटल प्लस आ जाएगा यही कह रहे हैं ना हाँ चल अब यहां पर ये वाला पार्ट गौर से देखो फिर बीच में बोल रहा है कौन बोल रहा है बिट गलत है ये यहां से लेके ये वाला पार्ट क्या बना यह डिस्पर्सिव पावर बन गया किसका क्राउन ग्लास प्रिज्म का तो यह बन गया डेल्टा वन प्लस डिस्पर्सिव पावर ऑफ क्राउन ग्लास प्रिज्म तो ओमेगा यह क्वांटिटी डिनोमीटर में आएगा तो क्या देगा म्यू वी डैश मानस म्यू आर डैश होल डिवाइड बाई म्यू डैश मानस वन इसका मतलब ये क्या दे रहा है डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्र्लास प्रिज्म और इसको क्या लिख रहे हैं ओमेगा डैश के समझ तो में आ गया क्लियर अच्छा एक चीज एक मिस्टेक है ध्यान नहीं दिया हमने अभी नजर आ गया इसलिए हमने कहा था बातचीत नहीं करोगे एक स्लाइट मिस्टेक है यहां पर जो एंगुलर एक्सप्रेशन लिखा क्राउंड का और फिर हमने किसका लिखा फ्लिंट का तो टोटल आ गया लेकिन वो इन्वर्टेड है तो यहां भी साइन क्या आएगा माइनस आएगा इसलिए ये माइनस रिमूव हो गया वो एक्सप्रेशन देख के लग जाता है तो ये माइनस हो गया तो ये क्वांटिटी प्लस ही रहा तो यहां पर ये क्वांटिटी क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा ये क्वांटिटी क्या आएगा माइनस आएगा तो समझ में आ गया क्लियर ये एक्सप्रेशन दिमाग में रखना है क्या बोल रहे हो कंडीशन दिया रहेगा कि जैसे मान लो कि एक पेंसिल का इमेज का फॉर्मेशन देख रहे हैं ठीक एक एग्जांपल या सिंपल कह देगा कि एक सोर्स ऑफ लाइट व्हाइट लाइट क्राउन और फ्लिंट के कंबिनेशन पर एंटर किया आफ्टर दिस पर्सन प्रोड्यूस बाय बोथ क्या कंडीशन आया तो दो कंडीशन आएंगे एक कंडीशन आएगा कि डेविएशन हो जाए नहीं हो। दूसरा कंडीशन डिस्पर्सन हो जाएगा डेविएशन नहीं होगा तो पहला कंडीशन में आ रहा है डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन तो पहला विदाउट डिस्पर्सन से हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकली टोटल डिस्पर्सन निकालेंगे राउंड का और का उसको जीरो पुट कर देंगे अब ये एक प्रिज्म और दूसरा प्रिज्म इनवर्टेड है इसलिए यहां पर डिवेशन जो भी आ रहा है इस वाले के लिए, फ्लिंट के लिए लिए अपोजिट है इसलिए माइनस साइन आ गया ठीक इससे एक रिजल्ट आ गया अब ये कहता है डिविशन तो हो रहा है तो हम पहले टोटल डिविशन निकाल लेंगे फिर डिविशन में भी क्या होगा एक दूसरे के इनवर्टेड है तो डेल्टा सी माइनस डेल्टा एफ वैल्यू डाल दिया ए ड बाई ए का वैल्यू डाल दिया और ये रिजल्ट जो भी आया वो डेविएशन और डिस्पर्सिव पावर के फॉर्म में आया इसका मतलब गौर से देख लो यहां पर किसका डिस्पर्सिव पावर ज्यादा है किसका डिस्पर्सिव पावर ज्यादा गौर से देखो ओमेगा डैश डिनोमेटर में एलसीएम लोगे तो ओमेगा डैश माइनस ओमेगा आ रहा है इसका मतलब डिस्पर्सिव पावर ऑफ फ्लिंट ग्लास इज ऑलवेज लार्जर देन क्राउन समझ में आ गया दिमाग बैठ गया ठीक है अब नेक्स्ट तो ये मैथमेटिकल एनालिसिस देख लिए यही आ गया फाइनली दूसरा कंडीशन दूसरा कंडीशन कहता है भाई डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन तो डेविएशन क्या होगा जीरो से स्टार्ट करेंगे तो देखिए यहां पर क्या हुआ रेड और वॉलेट इससे डिस्पर्स हो गए क्राउन से और फाइनली फ्लिंट से क्या आया रेड वॉलेट ही आया लेकिन सीक्वेंस ऑफ कलर उल्टा हो गया समझ में आ गया देख लो कलर ऊपर रेड था नीचे वॉलेट अब वहां पर क्या हो गया सीक्वेंस ऑफ कलर चेंज कर गया अब यहां पर विदाउट इसका मतलब डेविएशन प्रोड्यूस बाई क्राउन डेविएशन प्रोड्यूस बाई प्लेंट जीरो ठीक इन्वर्टेड है माइनस साइन आ जाएगा याद रखना क्राउन के लिए क्या लिखा है म्यू माइनस वन इंटू ए और ये म्यू डास माइनस वन इंटू ए इक्वल टू जीरो म्यू माइनस वन इंटू ए इज इक्वल टू माइनस साइन यहां पर है ओ, तो ये प्लस आ जाएगा ठीक है इज इक्वल टू म्यू डास माइनस वन इंटू ए डिस्पर्सन होगा तो डिस्पर्सन के लिए बता दो टोटल डिस्पर्सन का वैल्यू इज इक्वल टू डिस्पर्सन किसके लिए लिखेंगे तो डिस्पर्सन के लिए क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं मैथमेटिकली थीटा. तो थीटा क्राउन और थीटा प्लेंट इसका क्या आ गया डिस्पर्सन म्यूवी माइनस म्यू आर इन टू ए इसका डिस्पर्सन निगेटिव म्यूवी डैश माइनस म्यू आर डैश इन टू ए डैश ठीक है यहां तक अब यहां पर बहुत सिंपल कैलकुलेशन कर लो म्यू वी माइनस म्यू आर इसको म्यू माइनस वन से डिवाइड कर दो और म्यू माइनस वन से मल्टीप्लाई इस वाले टर्म में म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश ए डैश इसमें म्यू डैश माइनस वन से डिवाइड म्यू डैश माइनस वन से मल्टीप्लाई वैल्यू सब्सिट्यूट ना करके शॉर्टकट में ऐसे आ गए अब ये क्या दे दिया डिपर्सिव पावर किसका ये वाले पार्ट को छोड़ दो डिस्पर्सिव पावर किसका क्राउन का तो क्या बन गया ओमेगा और ये क्या बन गया डेल्टा ये क्या बन गया ओमेगा डैश और ये क्या बना डेल्टा डैश बन गया समझ में आ गया तो इस तरह से दो रिजल्ट फाइंड किया गया रिजल्ट को हम लोग देख ले इसी फॉर्म में क्लियर तो दोनों कंडीशन दिमाग में रखना कंबिनेशन में दोनों डेविएशन विदाउटन विदाउट डेविएशन ठीक है चलिए आर्यन आपके लिए बहुत सिंपल सा सवाल है कह रहा है कि डिस्पर्सिव पावर इज ठीक है अप द ब्लैंक्स ऑफ द एंगल एंड द एंगल ऑफ इंसुडेंस जो डिस्पर्सिव पावर है उसको हम लोगों ने ओमेगा से रिप्रेजेंट किया ठीक है कोशिश करें कि एक दो क्वेश्चन बाद में पूछते जाए ऐसे जिससे याद रहे लोग है किस पर इंडिपेंडेंट है सामने ऑप्शन दे रखा ओमेगा में का, कौन कौन सा वैल्यू आ रहा है पहले वो बताओ जल्दी से क्विक हाँ ओमेगा का फॉर्मूला क्या निकाला अभी हाँ यस तुम बोलो तुम तो बहुत हंसते हो ना हाँ हर्ष हाँ म्यू मानस वन इंटू ए वो डेविएशन का फॉर्मूला है ठीक हाँ, उसमें क्या देखो डिस्पर्सिव पावर ओमेगा का उसमें कौन कौन सा फॉर्मूला इसमें क्या एंगल ऑफ प्रिज्म है उस फॉर्मूला में क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो क्या हो गया इंडिपेंडेंट हो गया सिंपल है ठीक है इसलिए बी ऑप्शन आ गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यस के लिए कहता है डिस्पर्सिव पावर ऑफ फ्लिंट ग्लास प्रिज्म of दीज जो मन में आ बोल दो ना घर का खेती है क्या करना आ, आ? बी हाँ क्यों अभी बताया था हा हा अभी तो याद आ गया अभी यस सर हाँ तो ये तो हम भाई जानते थे पहले आप कौन सा तीर मार रहे हैं पढ़ा के है? है? तो पहले से हम जानते थे चलिए ठीक है बी सही ऑप्शन है हो गया तो ये वाला पार्ट डिस्पर्सन का खत्म हो गया तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्कैटरिंग तो छोटा सा पार्ट है इसलिए धीरे धीरे पढ़ाते जा रहे हैं नेक्स्ट तो क्लास में स्कैटरिंग और देख अब उसमें हम सोच रहे हैं एक दिन आर्यन लिख ही दे उसमें आर्यन लिख ही दे कि कैसे ये मूव कर रहा है ये लिखना बहुत जरूरी है हाँ